अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेबी टेक्नीशियंस और मैं हूं जेबी। दोस्तों आज की वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं वो है कि डूल स्टार्टर के आपको कनेक्शन हम जो हैं वो कंप्लीट एमसीबी से लेके पावर कनेक्शन, पावर से कंट्रोल और उसमें हम आपको एनसी और एनओ स्विच जो है वो भी लगाना इसमें आपको बता रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हमने ये वीडियो बनाई है लेकिन इसको हमने दो हिस्सों में बनाया था और आज कोशिश करेंगे कि हम आपको कंप्लीट एक ही हिस्से में इसको आपको बना के इसकी वायरिंग जो है पूरी कंप्लीट उसके बारे में आपको बताया जाए, क्योंकि कुछ दोस्तों ने इसके बारे में पूछा था तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको पूरी वीडियो जो है आपको इसमें सब जो कनेक्शन है कंट्रोल वायरिंग के, पावर वायरिंग के, एमसीबी से लेके ओवरलोड रिले कंप्लीट इसकी वायरिंग जो है आपको उसके बारे में सिखाया जाए, बताया जाए। तो दोस्तों इसमें आपने अगर पूरा यानी कि इसको देखना है, सीखना है एक ही वीडियो में तो ज़रूर इस वीडियो को आप देखें। इसमें हम आपको इसके जो अलग अलग हिस्से हैं कॉन्टैक्टर, ठीक है, एमसीबी और ओवरलोड रिले जो है वो कंप्लीट आपको लगा के इसमें हम बता रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि ये आप देख रहे हैं हमारे पास एमसीबी है, ठीक, इसमें तीन वायर, ठीक है, इन हो रही हैं थ्री फेज की लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री। इसमें हमारे पास आर वाई बी की जगह पे आप देख रहे हैं कि ब्राउन वायर है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास थ्री कोर वायर था इसमें ब्राउन वायर है तो हमने ब्राउन वायर को रेड की जगह पे इस्तेमाल किया, ठीक है। ये थ्री फेज जो है हमारे एमसीबी में इन हो रहा है, ठीक। इसके बाद देख रहे हैं कि आप थ्री फेज जो है आउट एमसीबी से आउट हो रहा है, ठीक है। एमसीबी से आउट होने के बाद ये तीनों वायर जो है हमारे पास कॉन्टैक्टर में आए, ठीक है, तीनों वायर कॉन्टैक्टर में आ गए, लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, ठीक। इसके बाद अब देख रहे हैं हम ओवरलोड रिले, ठीक है, ये है, इसको हम इसमें कनेक्ट करेंगे, ठीक। ये दोनों पीस अलग है, ठीक है, आपको कहीं काम करना पड़े दोनों पीस अगर आपको अलग अलग मिले तो इसीलिए हम आपको ये सिखा रहे हैं कि इसमें आप ओवरलोड रिले लगा के इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे करेंगे। दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि इसका आउटपुट कॉन्टैक्टर का, ठीक है, ये आप पिनें भी देख रहे हैं, ठीक, ये पिन जो है इसके आउटपुट में लग जाएंगी। ठीक है, ये पिनें हमने कॉन्टैक्टर के आउटपुट कनेक्शन जो है उसमें इसको हमने लगा दिया। ठीक है, ये हमारा ओवरलोड डीले भी इसके साथ कंबाइंड हो गया, इसको हमने इसके साथ लगा दिया। दोस्तों किसी ने हमसे पूछा था कि इसके एनओ कनेक्शन के जो हम लोग ओवर इसको होल्ड करने के लिए जो कनेक्शन करते हैं इसके एनओ कनेक्शन, ये तीन कनेक्शन जो है नीचे वाले ये भी एनओ हैं लेकिन ये मेन के हैं, ठीक है, इनमें से नहीं, क्योंकि अगर आप इसमें से लेंगे तो आप थ्री फेज कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये तीनों थ्री फेज लाइन के हैं, इसके ऊपर एक अलग से एनओ का कनेक्शन जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि दोनों साइड में इसके स्क्रू हैं, ठीक है, तो ये अलग से इसका 13 और 14 जो है नंबर होता है, ये अलग से एनओ पॉइंट दिया गया है जिसको हम होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दोस्तों इन आप दोस्तों आपको बताया कि यही नहीं है। इसके बाद आउट जो होगा आप देख रहे हैं वन टू थ्री,
ठीक है, ये हमारे तीनों जो हैं ये हमारे मोटर के कनेक्शन पॉइंट हैं, ये तीनों लाइन वन, लाइन टू और लाइन थ्री ये मोटर में जाके कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको मैं ये बताऊंगा, आप देख रहे हैं ओवरलोड रिले का क्या मकसद है। ओवरलोड रिले का मकसद ये है कि हमारी मोटर अगर ओवरलोड हो रही है, ओवरलोड ले रही है, या किसी भी वजह से जाम चलने की वजह से उसका लोड ज़्यादा हो गया, लोड किस शक्ल में होता है, लोड जब उसके एम्पेयर ज़्यादा लेने लग जाए, ठीक है, हीट की वजह से या मोटर की ख़राबी की वजह से, किसी भी वजह से जब मोटर पर लोड पड़ता है तो एम्पेयर बढ़ जाते हैं। ठीक है, एम्पेयर बढ़ेंगे तो ये हमारा जो ओवरलोड रिले है ये उसको ट्रिप कर देगा। ट्रिप होने की शक्ल में ये होगा कि हमारा जो नुकसान होने वाला है मोटर का, उससे हम बच जाएंगे। दूसरा, इसमें फेस फेलियर की वजह से भी हमारा जो ओवरलोड रिले है उसको ट्रिप करने में, कॉन्ट्रैक्टर को ट्रिप करने में मदद करता है। मैं आपको बता दूं कि आप ये देख रहे हैं ओवरलोड रिले के कनेक्शन, ये कनेक्शन जो है हमारे पावर के हैं। ठीक है, इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक 95, इसके बाद 96 और 98 के कनेक्शन पॉइंट हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो 95 है ये हमारे पास कॉमन है, ठीक है, और 96 जो है वो हमारे पास एनसी है, जो कि इस कॉमन के साथ एनसी है, और 98 जो है हमारा वो एनओ कनेक्शन है। 98 कनेक्शन में हम लोग वार्निंग लाइट लगा सकते हैं या वार्निंग अलार्म लगा सकते हैं। 98 में कनेक्शन जब आउट होगा, जब मोटर हमारी बंद हो जाएगी किसी भी वजह से, फेज फेलियर की वजह से या ओवरलोड की वजह से, तो इस पर अगर हम लाइट लगाएंगे तो हमें पता होगा, कहीं ही दूर बैठे हुए हैं तो मुझे नज़र आएगा कि हमारी जो है मोटर जो है वो, के हमारा डुअल स्टार्टर जो है वो भी बंद हालत में है, मोटर काम नहीं कर रही। ठीक, इसके बाद आपको देख बता दूं कि ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एम्पेयर एडजस्टमेंट है। ठीक है, इसमें हम एम्पेयर की सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मोटर अगर बड़ी होती है, ज़्यादा एचपी की होती हैं तो उनके एम्पेयर भी बढ़ जाते हैं, और कम एचपी की होती है तो उससे एम्पेयर कम होते हैं, और हम जितने एचपी की मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जितना एम्पेयर ले रही है उसके हिसाब से हम यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 8.40 से लेके 11.90 तक इसके अंपेयर हम ये लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो काम करता है थर्मल ओवरलोड रिले जो है वो हीट पे काम करता है, जैसे ही हमारी मोटर जो है ज़्यादा अंपेयर लेगी तो हमारी वायर में हीट होगा, और हीट की वजह से ये जो है अपना थर्मल सिस्टम जो है वो काम करता है और उसको कट ऑफ कर देता है एम्पेयर के बढ़ने पर। ठीक है, अब मैं आपको इसके जो स्टार्ट स्विच और इसका स्टॉप स्विच है इसके बारे में, एनओ और एनसी स्विच के बारे में आपको बता दूं, इसकी वायरिंग के बारे में भी अभी हम आपको बता देंगे। दोस्तों, आपने करना यह है, आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा नीचे कॉइल के कनेक्शन पॉइंट है, A1 और A2, इसमें हमने न्यूट्रल लगाया हुआ है। ठीक है, ये न्यूट्रल वायर है। ठीक है, इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो A2 का वायर है, ठीक है, ये ब्राउन वाला, ये हमारा NO का जो स्विच है उसका बी वाला कनेक्शन पॉइंट, वहाँ इसको हमने लगाया। ठीक है, बी वाले कनेक्शन पॉइंट में ठीक इसको लगा दिया। इसके बाद ए वाला कनेक्शन जो है, ए वाला हमने एनसी स्विच के बी वाले कनेक्शन पॉइंट से वायर इसको कनेक्ट किया हुआ है। इसके साथ ही एक और वायर जो रेड कलर का आप वायर देख रहे हैं, ये हमारा बी वाले एनसी स्विच से हमने इसको जॉइंट किया हुआ। ठीक, इसके बाद एनसी स्विच आप देख रहे हैं, इसका ए कनेक्शन पॉइंट है, उसको हमने एक वायर लगाया और वो वायर हमने ओवरलोड रिले का जो 96 नंबर
एनसी कनेक्शन पॉइंट है, वहाँ इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपने करना यह है, आप देख रहे हैं कि ब्राउन वाला जो हमने लाइन वन से कनेक्शन एक वायर लिया हुआ है, ये वायर जोड़ा हुआ है, इस वायर को अभी हम लोगों ने, ठीक है, ये वायर जो हमारा कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट कनेक्शन पॉइंट जो कॉमन है ओवरलोड रिले का, थर्मल ओवरलोड रिले का, इसको हम इसमें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने इसमें कनेक्ट कर दिया, ठीक। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये रेड वाला वायर, ठीक दोस्तों, ये हमने एनो कनेक्शन पॉइंट है जो कॉन्टैक्टर में 13 नंबर वाला, ठीक है, उस पर इसको हम जो है लगाएंगे। ठीक, रेड वायर जो कि हमारे एनसी स्विच से आ रहा है, ठीक है, जो हम होल्ड करने का कनेक्शन पॉइंट है 13 और 14 ओपन पॉइंट कॉन्टैक्टर में है, उसके 13 वाले नंबर पे हमने इसको कनेक्शन कर दिया। इसके आप देख रहे हैं कि आउटपुट पे, ठीक है, 14 नंबर जो है, ठीक है, आउटपुट से हमने एक वायर लिया और इसको डायरेक्ट हम ले गए कॉइल का जो A2 कनेक्शन पॉइंट है, ठीक है, इसके साथ हमने इसको कनेक्शन कर दिया, इसके साथ इसको हमने जॉइंट कर दिया, ठीक। एक वायर इसका एनो स्विच से आ रहा है, दूसरा वायर इसका जो है, ठीक है, एनो स्विच से एक वायर आ रहा है, दूसरा वायर जो 14 नंबर है एनो कनेक्शन पॉइंट का, वहाँ से लिया और इसको हमने A2 वाले कनेक्शन की जगह पर इसको इसके साथ ही कनेक्शन कर दिया। दोस्तों ये जो स्विच एनसी और एनओ के कनेक्शन है, ये हमारे कंट्रोल कनेक्शन कहलाते हैं। इसके बाद ये जो आप जो देख रहे हैं कि लाइन वन लाइन टू इन हो रही है एमसीबी से आने के बाद, ये हमारे पावर कनेक्शन कहलाते हैं। इसके बाद ये हमारा आउटपुट जो है, ये तीन वायर जो है वो हमारे थ्री फेज़ की मोटर में चले जाएँगे, ये तीन वायर हमारे थ्री फेज़ की मोटर में चले जाएँगे। इसको भी हम आपको हम लैंप में चेक करा के दिखा देंगे। दोस्तों ये डूल स्टार्टर के कंप्लीट कनेक्शन है, ठीक है। अगर आपके पास ओवरलोड अलग से है, कॉन्टैक्टर अलग से है, एमसीबी अलग से है और स्विच जो आपको अलग से लगाने हैं, तो इसके कनेक्शन हमने आपको इस वीडियो में पूरे कंप्लीट जो है वो बताए। दोस्तों इसको चेक करने से पहले, ठीक है, प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको बताता जाऊँ, अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, और जो नए दोस्त हमारी वीडियो को देखते हैं, मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, मज़ीद इलेक्ट्रिकल वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसा काम सीखना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो जो भी हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक। अभी मैं आपको इसको ऑन करके, ठीक है, ये टेस्लम से आपको ये जो हमारे तीनों आउट के कनेक्शन पॉइंट है ये आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एमसीबी ऑन हो गया और दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमने जैसे एनओ स्विच को ऑन किया, हमारा कॉन्टैक्टर जो है वो ऑन हो चुका, ठीक। जैसे एनसी स्विच को हमने पुश किया तो हमारा कॉन्टैक्टर जो है वो ऑफ हालत में, अब देख रहे हैं ऑन, इसके बाद ऑफ, ऑन और ऑफ, ठीक है। अभी हम इसको ऑन करेंगे और लैंप से आपको तीनों कनेक्शन जो हैं वो इस चेक करा के आपको दिखा देंगे।
ठीक है, लाइन वन, लाइन टू और लाइन थ्री, यानी कि तीनों लाइन जो है वो काम कर रही है, हमारा डूल स्टार्टर जो है अभी काम कर रहा है। ठीक दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।